हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो मैं काफ़ी दिन हो चुके थे कोई वीडियो नहीं बनाया था, काफ़ी कुछ काम में बिजी हो गया था और कुछ घर परिवार की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है, तो सारे कामों में बिज़ी था तो कुछ वीडियोस नहीं क्रिएट कर पाए। तो आज ऐसे ही जनरल कुछ वीडियोस बनाने के लिए मैंने ये है बनाया वीडियो। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई काम की चीज़ होगी तो आप अभी स्किप कर सकते हैं वीडियो या फिर दूसरे वीडियो पे जा सकते हैं। तो ये बात है मेरी खुद की कि आज मैं वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर और वर्डप्रेस डिज़ाइनर, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर काम करता हूँ यूनिवर्सिटी में और काफ़ी अच्छे से हूँ। मगर शुरुआत मेरी ऐसे नहीं थी यार, शुरुआत में दोस्तों में छोटा सा जॉब किया करता था, जब कि मेरी सैलरी भी काफ़ी कम थी। मैं अपनी करियर की शुरुआत 7,000 रुपये से किया था, सिर्फ 7,000 मंथली मिलिया करते थे मुझे। और उस समय मुझे सॉफ्टवेयर पढ़ाने पड़ते थे, सॉफ्टवेयर में जो पढ़ाता था ये वो कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और फ्लैश एनिमेशन, अब तो बंद हो चुका है वो, तो यही सॉफ्टवेयर पढ़ाया करता था मैं। तो मैं कुछ अपनी फ़ोटोज़ भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा था। मेरा दुबई में जो ऑफिस था बुर्ज खलीफा के पास में था, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। मैं हमेशा पास में एक रेस्टोरेंट था, शायद यहाँ से दिख रहा होगा छोटा सा ही, तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती थी, तो यहाँ तक जाता था। वो इधर तक जाना नहीं हो पाता था मेरा, थोड़ी सा दूर पड़ता था ये और रिश्ता था। तो फिर क्या हुआ कि 7,000 की मेरी सैलरी थी सिर्फ, और मैंने काम चालू किया और काफ़ी अच्छे से काम करते गए। फिर मैं एक दूसरी कंपनी में पहुंचा, उसके बाद उन्होंने पूछा आपकी सैलरी कितनी थी, तो उन्होंने कुछ बैकग्राउंड या बैकग्राउंड का सैलरी स्लिप वगैरह नहीं मांगा था, तो मैंने बताया कि मेरी सैलरी कुछ तो भी 13,000 रुपये थी, तो उन्होंने पूछा नहीं और डायरेक्ट मेरी 13 कर दी। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि शायद इससे आप कुछ सीख सको या शायद आपको बेनिफिट हो। तो ठीक है, मेरी डायरेक्ट 7 से 13 पहुंच गई क्योंकि उन्होंने पूछा और मैंने बता दिया। तो उन्होंने जब पूछा था तो इस अंदाज में पूछा था कि आपकी सैलरी कितनी थी पिछली कंपनी, तो बोला मैं खुद बता दूँ, बोला हाँ बता दूँ, तो मैंने बता दी। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मेरी सैलरी डायरेक्ट 13 हो गई। फिर उसके बाद मैं काम छोड़ा नहीं, मैं करते रहा। मैंने काफ़ी दूसरे सॉफ्टवेयर भी सीख लिए, मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, JavaScript सीखा, PHP सीखा, WordPress सीखा, और फिर आगे काम करते गया और काम करते करते आगे बढ़ते गया, जॉब मिलते गई। और एक चीज़ है कि मैं मतलब मेरी माँ बोलती थी यार, नखरे मत करना कभी लाइफ में। जो नखरे करने का कॉन्टेक्ट है ना लड़कियों का है यार, लड़के लड़ते हैं, लड़के जीतते हैं, लड़कियाँ नाजुक होती हैं, वो कभी छोटे मोटे नखरे कर सकती हैं, उनको अलाउ है, मगर लड़के नखरे नहीं करते। तो यार कभी भी इन्हें कोई नखरा, अब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैं सन 2002 से 2003 से काम कर रहा हूँ इसमें, अभी एज ए थोड़ी बहुत काम करने लगा था मैं, लेकिन आज तक सही बताऊं तो मैंने कभी नया लैपटॉप नहीं परचेज किया। मैं ऑलवेज ओल्ड लैपटॉप पे ही काम किया था, शायद ये 2 या 3 बार बदला होगा मैंने। तो कुछ तो भी 15,000 तक के ओल्ड लैपटॉप अच्छे से आ जाते हैं बाजार में काम करने के लिए। तो मैंने पुराने लैपटॉप्स पे काम किया, ये मेरी फ़ोटो है जब मैं ट्रेनर्स के रूप में छोटे मोटी जगह काम करता था, इंस्टीट्यूट्स थे बहुत सारे, अब मैं नाम नहीं बता सकता, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट पढ़ाने का काम किया करता था। ये पीछे आपको ग्राफिक्स वगैरह कुछ दिख रही होगी बच्चों की, तो काम किया करता और पुराने लैपटॉप्स पे ही यार मैं काम करता रहा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया खरीदूँ। मेरे ज़्यादातर डेल या थिंकपैड वगैरह ले लिया करता था, कभी कभी 10,000 में, कभी 5,000 में, आप नया जाओगे तो 50, 60, 70 में आएगा यार, वो बहुत होता है यार इतना यार, ठीक है। तो उसमें काम करते रहा, फिर उसके बाद इवन जानते हैं मैं अभी दुबई वगैरह काम करने गया, ओमान में काम किया मैंने, बांग्लादेश में 2 साल बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया। आई ऑलवेज यूज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक मैंने कभी कोई नया ऐसा परचेज नहीं किया यार कुछ, कि बड़ा सा कुछ काम करूँ, बड़े बड़े लैपटॉप परचेज करूँ, कुछ अच्छा कुछ होना चाहिए तभी आगे बढ़ोगे, ऐसा कुछ भी कभी परचेज नहीं किया मैंने, और डायरेक्ट काम करते गए। इवन अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे आते हैं, बहुत से पढ़ने आते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं फ्रीलांस, तो वो चाहते हैं उनके पास अच्छा हेडफोन हो। ये हेडफोन भी ना यार, मैं सड़क से जाते रहते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे हेडफोन मिलते हैं, 30 रुपये का एक मिलता है, 50 का एक मिलता है। तो अभी मैं जो बनाता हूँ ना ये, उसी में बनाता हूँ, मेरे पास है ये 2-3 ले लिया करता हूँ, टूट जाए तो नया ले लेता हूँ, तो वही आवाज़ आती है यार। देखो हम लोग कोई इतने बड़े वो नहीं है यार, हमारी कोई पिक्चर बड़ी वाली रिलीज नहीं होने वाली, नहीं मैं कोई बहुत बड़ा सिंगर हूँ कि मुझे एकदम क्लियर आवाज़ चाहिए है, तो वो हेडफोन पे बना लिया करते हैं इस पर, और अभी चल रही है ज़िंदगी अच्छी, तो जो पैसे आते हैं बहुत सारे बच जाते हैं, अच्छा रहता है,
और बस, तो यार नखरे मत करो, जो भी काम है ना करना चालू करो यार। फिर YouTube वीडियो भी मैंने बनाया था, ये मैंने लोगो बनाया था, मैं सही बताऊं तो ये लोगो भी मैंने दिमाग नहीं लगाया था, मैंने मोर देन 1000 लोगो क्रिएट किया होंगे आज तक, लेकिन मैं ये लोगो बनाने के लिए मेरे बिल्कुल टाइम नहीं, मैंने एक जगह यूट्यूब पे देखा, उसने ऐसा बनाया था किसी ने, तो मैं बोला यार बस कॉपी कर लो, ऐसे ही बना दो, टेंशन छोड़ो। तो यार टाइम बर्बाद मत करो, और जो भी कुछ है ना वो तुरंत करो और चालू करो। फिर वर्डप्रेस में मैंने कहीं पे वर्डप्रेस सीखने नहीं गया मैं, अब मैं वर्डप्रेस पे काम बनाया, 100-150 वेबसाइट बनाई है यार, मैं कहीं सीखने नहीं गया। देखो कोई भी काम जिंदगी में गलत होता है सही होने के पहले, कोई भी चीज़ें होती ना बदसूरत होती खूबसूरत होने के लिए, होने के पहले तो थोड़ी सा गलत काम तो करना ही पड़ेगा। आप सीखो, कहीं पर भी जाके सीखो, आप दुनिया की सबसे बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी सीखोगे ना जाके, तो जो पहला कदम होगा वो गलत ही होगा, जो पहली डिज़ाइन होगी वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी, हो सकता गलत भी हो वो, और दूसरी तीसरी चौथी होगी ना वही सही होगी, यही फंडा है पूरे लॉजिक का। तो यार मैंने खुद ही ट्रेनिंग के लिए, मतलब पहली दो तीन चार पाँच दस वेबसाइट गलत होगी, उसके बाद खुद सीख जाऊंगा। अगर मैं 25,000 रुपये कहीं सीखने का दे रहा हूँ, 10,000 दे रहा हूँ, या फिर मैं और टाइम लगा रहा हूँ सीखने का, फिर सीखने में क्या प्रॉब्लम है पता, सीखने में सीखने से ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि आप जाते हो, फिर गाड़ी लेके जाते हो, फिर वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाते हो, फिर थोड़ी देर बैठते हो, फिर सर आते हैं आपके, इतनी देर में आप अपने पुराने दोस्त नए दोस्त मिलते हैं, उनसे बकवास होती है, फिर घर आते हो, यार ये बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है सब चीज़ में, और सीखने कुछ नहीं मिलता। सीखे तो देखे तो 15-20 मिनट, इससे अच्छा YouTube पे जाओ, YouTube से सीख लो, खुद के क्वेश्चंस करो, उसमें जो भी प्रॉब्लम आए उसको सर्च करो, उससे चार नई चीज़ें भी सीखने आएगी, और इस प्रकार से आप वो चीज़ें सीख लोगे। तो मैं हमेशा इसी चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि यार जो भी है आप खुद ही सीखने की कोशिश करो, और शुरुआत कर दो बस, कुछ सीखो मत। मैं कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन पे काम किया है मैंने, अभी फिल्मोरा में काम करना चालू कर दिया मैंने, एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स में काम किया, लेकिन कुछ भी चीज़ सीखी नहीं है। मार्केट में जाके सब सॉफ्टवेयर सीखो तो बड़े पैसे लगेंगे, और यार जो एक्सीलेंट सिखाने वाला होगा ना वो सिखाएगा ही क्यों, उस क्यों सिखाएगा, जब कंपनी काम करे ना आजकल इतनी अच्छी अच्छी सैलरी मिल रही है। तो अच्छी चीज़ है कि आप खुद सीख लो, आप देखना दुनिया का पहला जो आदमी होगा यार उसने कहीं ना कहीं सीखा ही होगा ना, ऑनलाइन सीखा होगा ना, वो तो क्लास नहीं लिया था। तो आप जाओ और ऑनलाइन चीज़ें सीखो, उस पर काम करो। बोलोगे कि सर फ्रीलांस काम कैसे मिलता है आपको, तो ऐसा है कि यार मैं दिन रात सुबह से हम लोगों से बताते फिरता हूँ, जब भी कोई मिलता है ना तो बताते रहता हूँ कि मैं फ्रीलांस काम करता हूँ। तो बोले सर आप नए इंसान को कैसे बताओगे, कोई इंसान नया है जिससे आप पहली बार मिल रहे हो तो उसे कैसे बताओगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, कुछ ही दिन पहले एक लड़के का फ़ोन आया था मेरे ईमेल पे, याद रखना मैं सारी ईमेल है ना रिसीव करता हूँ, और सारा कोई भी ईमेल आता है ना उसका रिप्लाई भी देता हूँ मैं, किसी ईमेल पे अगर बच्चे ने कुछ पूछा है ना तो उसका मैं रिप्लाई देता हूँ। चलो मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ तो आपको विश्वास होगा। जैसे ये हैं सुमंत कुमार, ये देखिए इसने मैसेज किया था कि सर आई वांट टू टॉक, आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ओशीन डेवलपिंग थीम, और उसे कुछ चाहिए होगा तो उसने मेल किया, तो इससे मैंने बात की है, और इस प्रकार से मुझे मेल कर देते हैं बच्चे। तो जब भी मैं टाइम मिलता है यार उन पर काम करता हूँ, और वो चीज़ें कोशिश करता हूँ कि वो काम कर दूँ मैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट कुछ यूं ही करने के लिए कुछ करता हूँ, और कुछ ज़रूरत होती है लगता है कि मुझे मैं कुछ काम कर सकता हूँ उससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर करता हूँ। किसी का देखिए PNG में था इलस्ट्रेटर, उसे EPS करना था तो उस पर उसने हेल्प मांगी थी, वो भी किया मैं। तो इस प्रकार से ईमेल आता है तो उसका मैं रिप्लाई देता हूँ, ऐसे इग्नोर नहीं करता मैं बिल्कुल भी इस बात को। अब दूसरी चीज़ है कि फ्रीलांस काम कैसे मिलता है, आप नए इंसान से कैसे बात करेंगे। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं बस में जा रहा हूँ और आप बस में चढ़ गए, और इतनी देर में बगल में कोई कैन है आपके जो खड़ा है, लड़की है या लड़का है कोई भी, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। तो नाम कभी भी लाइफ में किसी से डायरेक्ट नाम नहीं पूछना, ना एड्रेस पूछना, ना उसके शरीर के बारे में कोई बात करना। तो आप बोल सकते हो कि यार आज लगता है ज़्यादा ही भीड़ है बस में, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है यार क्या करें। तो जो बगल में कैंडिडेट है ना, जो भी बगल में आदमी ना, वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ यार आज बहुत गर्मी। फिर आप बोल सकते हो कि लियान कि एक्चुअली मैं इस बस में हमेशा आते रहता हूँ, और पता नहीं आज ज़्यादा ही भीड़ है, अदरवाइज़ कभी कभी तो मुझे बैठने के लिए जगह भी मिल जाती है। तो ये फिर आप इस प्रकार से उससे बात की शुरुआत कर सकते हैं, और बोलते हैं कि मैं, आप अपने मन से बताना चालू कर दीजिए कॉमन कि आप कहाँ जा रहे हैं,
ये, तो फिर आप वो भी बताएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें होंगी, तो आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइन का काम करता हूँ फ्रीलांस, मैं ग्राफिक डिज़ाइन का काम करता हूँ, वर्डप्रेस का काम करता हूँ, और ये मेरा कार्ड है, कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा। तो इस प्रकार से आप शुरुआत करिए कुछ नॉर्मल बातों से। तो आप पार्टी में गए हैं तो कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप पार्टी में अपने दोस्तों ही से खड़े रहे, अपने दोस्तों से बात करना और रहना यार बड़ा आसान है ज़िंदगी, बहुत आसान है, लेकिन कठिन तो यह है जब अजनबी किसे शुरुआत करते। तो आप पार्टीज़ में गए हैं कहीं पर, बर्थडे में या कहीं पर, तो आप जानी बात कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छी पार्टी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। आप इस बात से एक बार उसकी तरफ देखते हुए आप बात की शुरुआत करिए, देखना वो जरूर बोलेगा कि हाँ, तो बोले मैं इनको ऐसे ऐसे जानता हूँ, आप बता दीजिए। फिर वो भी बताएगा कि आप वो उनको कैसे जानते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि मैं एक्चुअली फ्रीलांस काम करता हूँ वेब डिज़ाइन का, ग्राफिक डिज़ाइन का, ये मेरा कार्ड है, हो सके तो मुझे आप कोई काम हो तो ज़रूर कॉल करिए, है ना, कोई सेवा का मौका दीजिए मुझे। फिर आप मान लीजिए कभी जा रहे हैं और कोई और ऐसे ही मिल गया, मान लीजिए पिताजी के कोई दोस्त हैं या फिर किसी के, तो या कोई हैं जो बड़े हैं नहीं जानते, तो आप बोल सकते हैं आप मिस्टर वर्मा है ना, वो शायद मैंने पिछली बार उनकी वेब डिज़ाइन की थी। तो बोले नहीं, ओ आप एकदम वैसे ही देखते हैं, एक्चुअली उनका 2 साल से फ्रीलांस वेब डिज़ाइन का काम मैं ही संभाल रहा हूँ, मैंने सोचा आप हैं, एनीवे ये मेरा कार्ड है, आप रखिए ये, और कोई कांटेक्ट हो जरूर मुझे बताइए। तो इस प्रकार से आप ये फेस टू फेस अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, और ऐसे हजारों तरीके हैं, मैं अभी इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकता ना दोस्तों। तो अब एक और तरीका बता दूँ कि आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि आप YouTube पे हैं या फिर Facebook पे हैं ना, तो वहाँ पे आपके छोटे छोटे बनाए प्रोजेक्ट बनाइए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डालिए कि ये वेबसाइट आपने बनाई थी, इसके ये इसका अबाउट अस पेज है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसका टीम का पेज है, और ये इसका कॉन्टैक्ट पेज है, और अगर आपको इसमें चैटिंग करनी है तो यहाँ पे भी ऑप्शन है, उस प्रकार की वेबसाइट बनाने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ एक दो वीडियोज बना दिए। देखिए अगर आप बताओगे नहीं ना तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा भैया आप करते क्या है, समझ में आ गया। अगर सड़क में दुकानें खुले रहती हैं, अगर चारों तरफ से बोर्ड ना लगा हो, पर्दा लगा हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फल की दुकान है, कौन सी दूसरी चीज़ की दुकान है। तो फिर यार आपको बताना होगा, हर पल बताना होगा। अगर आपने अभी से बताना चालू किया आप कि यू आर वर्किंग एज ए फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर, तो आने वाले 10 साल में हजारों लाखों लोग जान चुके होंगे और आपके पास उतने कॉन्टैक्ट भी होंगे। तो यार शुरुआत करो यार, बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है। तो ये छोटी सी बात है। तो चलो वापस अपने पॉइंट में आता हूँ। तो मैं कुछ समय दुबई में काम किया, उसके बाद क्योंकि उधर काफ़ी अकेला फील करता था, कोई था नहीं, थोड़ी से दोस्त थे, लेकिन काफ़ी दूर आना जाना और वहाँ की, तो मुझे ये पसंद नहीं आया था वहाँ का थोड़ी सा। उसके बाद मैं ओमान भी गया, वहाँ पर भी इतना अच्छा नहीं लगा। फिर कंपनी ने मुझे सऊदी अरेबिया ट्रांसफ़र कर दिया था, तो मैंने वो कैंसिल किया। तो उन्होंने ऑप्शन दिया था, या तो सऊदी अरेबिया में आप काम कर सकते हैं या इंडिया, अदरवाइज दुबई में रुकना होगा। तो मैंने इंडिया को प्रेफर किया और अभी मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, लगभग कुछ दिन हो चुके हैं मुझे। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट और फ्रीलांस काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आराम से। तो दोस्तों ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आज की दी है आपको, लेकिन आपको लगता है कि मैं कुछ और आपको किसी सब्जेक्ट पे या किसी बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा ईमेल वगैरह है ajyuiux@gmail.com। तो आज जनरल ऐसे वीडियो बनाने की इच्छा हुई थी, मैंने बना ली, और आपको कोई लगता है कि अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर आप बना ली, मैं आपको जरूर करूँ। हाँ, एजुकेशन की बात रह गई थी कि एजुकेशन क्या किया, तो मुझे ना अभी तक हज़ारों लोगों ने बोला कि कोई एक चीज़ करो, कुछ एक कोई एक कोर्स करो, कोई एक चीज़ करो। बहुत सारी चीज़ें करने से इंसान बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाती है ज़िंदगी में, और इंसान को एक पैर पे नाव रखना चाहिए, एक नाव पे पैर रखना चाहिए, और इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत समझदार लोग थे, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने मल्टीटास्किंग चीज़ें की, जैसे कि पहले कंपनी ने सिर्फ वेब डिज़ाइन की बात की थी, लेकिन मैं वेब, ग्राफिक्स, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, तीनों चारों चीज़ें सीख ली वहाँ पे, और लगभग लगभग आती थी मुझे, किसी भी में मैं एक्सपर्ट नहीं था। उसके बाद मैंने आगे की एजुकेशन ली, तो मतलब आई कंप्लीटेड माय एमए इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं पूना में करने वाला था एमए इंग्लिश लिटरेचर, तो यहाँ पे जो फीस थी पूना में 25,000 थी एक साल की, और कहीं कहीं पर 30,000 की, मतलब 2 साल की 60,000 फीस लग रही थी एमए की। तो मैं एमपी का हूँ, तो मैंने जबलपुर से कर लिया,
तो वहाँ पे मुझे 7,000 रुपये लगी, 7,000, तो 6,000, 7,000, 6, 6, 12, हाँ तो लगभग 10,000 में मेरा एम ए लिटरेचर पूरा हो गया। तो उस प्रकार से जहाँ पे बोलना चाहिए पूना में जहाँ पे फीस लग रही थी टोटल उसकी 50,000, वहाँ पे मेरे को सिर्फ 10,000 लगे और मेरे को उतना ही पढ़ना पड़ा, उतना ही लिखना पड़ा और मेरे उतने ही नंबर आए जितनी मेरी कैपेसिटी थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूना से करने के बाद कुछ खास, और मैं अभी जाता हूँ जब इंटरव्यू के लिए तो कोई ये नहीं पूछता कि आपने कहाँ से एमए किया है, कहाँ से एमबीए किया है, वो डायरेक्ट पूछते हैं आपने क्या किया ज़िंदगी में बस। और उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है, तो एमए मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया, एमबीए मैंने किया है डिजिटल मार्केटिंग से। तो बहुत सारे लोगों ने बोला एक ही पैर रखिएगा एक नाव पे और दुनियादारी चमन बाहर 420 मीठी चटनी लाई थी, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी मैंने। मैंने सिर्फ इतना ही जाना कि नहीं मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करते जाऊंगा। फिर मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर के बाद मैंने किया है एमबीए डिजिटल मार्केटिंग से, उसका लास्ट सेमेस्टर चालू है अभी। और अभी मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो एनिमेशन एंड गेम डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि मैंने बीच में यूआई यूएक्स का डिज़ाइन का कोर्स भी किया था। और तो अभी मेरी जो मतलब आई एम ए सीनियर प्रोफेसर ऑफ यूआई यूएक्स डिज़ाइन, तो वहाँ पे मैं गेमिंग का भी यूआई यूएक्स पढ़ाता हूँ और एनिमेशन का भी पढ़ाता हूँ। और बीच में मैंने एक क्योंकि जब मैं शुरुआत में पढ़ाई कर रहा था तब जरा बड़ा शौक चढ़ा था आईएएस बनने का, पीएससी देने का, तो मैंने उसमें एमए हिस्ट्री भी की थी। और तो उसमें इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह पढ़ा था, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में क्योंकि अभी सारी जगह कंपलसरी कर दिया है, तो चाहे वो एमबीए को हो या बीई वाले लड़के हों, तो पूरी यूनिवर्सिटीज़ में इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ाया करता हूँ। तो कहाँ पे आप देखिए कहाँ गेमिंग डिज़ाइन और कोडिंग्स पीएचपी जावास्क्रिप्ट वगैरह और हिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। मैंने कभी भी एक नाव पे पैर रख के ऐसा कुछ भी मेरे ज़िंदगी में मैंने उसे अप्लाई नहीं किया यार, और मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं किसी दूसरों को एडवाइस भी नहीं देता यार, वो समय कुछ और था, उस समय के बाद आज के समय कुछ बदल चुका है। आज के समय पे आपका अगर लैपटॉप है, अगर आपके लैपटॉप पे सिर्फ एमएस ऑफिस चलता, एमएस ऑफिस के अलावा कुछ नहीं चलता, तो आप वो लैपटॉप नहीं खरीदोगे। आप लैपटॉप इसलिए करते हो क्योंकि मल्टीटास्किंग होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है और उस पर आगे बढ़ सकता है। तो आपको ऐसा है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो करते रहो, उस पर पूरा ध्यान रखो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो पसंद नहीं भी हों उसे इतनी बार करो कि पसंद आने लगे। तो आप देख रहे हैं मैंने कैसे मेरा करियर उठपटांग सा है बहुत, मगर एक अच्छी चीज़ है कि मैं जहाँ जाता हूँ उसके हिसाब से रिज्यूम डेवलप कर लेता हूँ और मेरा जॉब लग जाता है। तो एम ए इंग्लिश लिटरेचर, एम ए हिस्ट्री, फिर इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ा, यू आई यू एक्स किया, फिर एम बी ए डिजिटल मार्केटिंग किया, क्योंकि आने वाले 10 साल या 5 साल तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग होने वाला है, तो क्योंकि मेरे से रिलेटेड भी था तो ये रिलेवेंट फील्ड है, तो वो भी कर लिया मैंने। और अभी आपको पता नहीं शायद हंसी आएगी, लेकिन इस साल मैं एम ए आचार्य कर रहा हूँ। इट मीन कि उससे जैसे एम ए योगा होता है उसे योगा, एम ए योगा नहीं बोल के एम ए आचार्य बोलते हैं। तो मैंने सोचा है कि फ्यूचर में मैं सिर्फ योगा में अपना टाइम दूंगा, तो अभी एम ए आचार्य का इस साल मेरा हो जाएगा मास्टर डिग्री। तो 1 साल है अभी मेरा, प्री ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर ये एनुअल एग्जाम है, सेमेस्टर वाइज नहीं है। तो उसके बाद मैं एम ए योगा में ही सोचा है मैंने फ्यूचर में पीएचडी वगैरह करूँगा, क्योंकि ये फील्ड मुझे पसंद है। तो मेरी कोई भी आप चीज़ें देख रहे हो कभी मैंने उस पर नहीं रखा, लेकिन ऐसा बात नहीं है आप किसी दूसरों की बात मान के भी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे अंदर एक दिल है और दिमाग है, तो दुनिया की सारी किताबें सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाता है जब आप अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं। तो जो भी है दिल और दिमाग की सुनिए, ज़िंदगी वैसे भी इतनी लंबी नहीं है यार कि आप सोचते रहो कि गलती करूँ ना करूँ, करो धड़ाधड़ गलती करो, गलती करने वाले ही आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अगर आपका वीडियो आपको मेरा थोड़ी सा बोर लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और लेकिन यार कुछ ना कुछ तो करना, जिंदगी करने के लिए मिली है, सोने के लिए नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।